तोड़फोड़, आगजनी, झड़प, हिंसा, ये तस्वीरें विदेश से सामने आ रही हैं। एक तरफ भारत का पड़ोसी बांग्लादेश इन दिनों हिंसा का शिकार है, दूसरी तरफ ब्रिटेन में चुनाव के बाद जबरदस्त हिंसा देखने को मिल रही है। दोनों ही देश दंगे की आग में जल रहे हैं। दोनों ही देशों से आ रही दंगों की ये भयानक तस्वीरें आपको हैरान परेशान कर देगी। बांग्लादेश में तो प्रदर्शन के चलते कई लोगों की मौत हो गई है। अब बांग्लादेश और ब्रिटेन में दंगे क्यों भड़के, क्या वजह रही और फिलहाल की स्थिति क्या कुछ है, इस वीडियो में आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम, मैं हूं आपके सामने सपना शर्मा। पहले बांग्लादेश में दंगों की भयानक तस्वीरें सामने आती हैं, फिर यूके से भी दंगों की खबरें सुर्खियां बन जाती हैं। ये दोनों ही देश फिलहाल दंगों की आग से जूझ रहे हैं। इन दोनों देशों में स्थानीय लोग सड़क पर उतरकर जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं और ये प्रदर्शन इतना हिंसक हो गया है कि कई लोगों की मौत हो गई है, वहीं हजारों लोग घायल हुए हैं। दोनों देशों में खूब पत्थरबाजी की जा रही है, बसों में आग लगाई जा रही है। अब ये प्रदर्शन क्यों हो रहा है और इन प्रदर्शनकारियों की क्या कुछ मांगे हैं, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश की, जहां हिंसा के चलते हालात काफी बेकाबू हैं। यही नहीं, इस हिंसा में करीब करीब 40 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, वहीं इस आंदोलन में हजारों लोग घायल हुए हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हो रही इस हिंसा के चलते कई शहरों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। रेल, मेट्रो और इंटरनेट सेवाएं बाधित हुई हैं। यहां तक कि प्रदर्शनकारियों ने एक टीवी स्टेशन को भी आग के हवाले कर दिया है। ये प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है, पहले इसे समझिए। दरअसल बांग्लादेश 1971 में आजाद हुआ और इसी साल से वहां पर 56% कोटा सिस्टम लागू हो गया था। इसमें स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों की नौकरी में 30%, पिछड़े जिलों के लिए 10%, महिलाओं के लिए 10%, अल्पसंख्यकों के लिए 5% और 1% विकलांगों को दिया गया। इस हिसाब से सरकारी नौकरियों में 56% आरक्षण है। साल 2018 में 4 महीने तक छात्रों के प्रदर्शन के बाद हसीना सरकार झुक गई थी और सरकार ने कोटा सिस्टम खत्म कर दिया था। लेकिन बीते महीने 5 जून को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फिर से आरक्षण लागू करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि 2018 से पहले जैसे आरक्षण मिलता आया है, उसे फिर से उसी तरह लागू किया जाए। हालांकि शेख हसीना सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अपील भी की, मगर सुप्रीम कोर्ट ने अपना पुराना फैसला बरकरार रखा। इससे छात्र नाराज हो गए। अब इसी के खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि हम 56% आरक्षण को नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों को मिलने वाला 30% आरक्षण नहीं दिया जाए। इसके पीछे का तर्क यह दिया जाता है कि बांग्लादेश जंग के हीरो अब बूढ़े हो चुके हैं, उनकी औलादें भी बूढ़ी हो चुकी हैं, ऐसे में उनके पोते पोतियों को आरक्षण देने का कोई मतलब नहीं है। अब ये प्रदर्शनकारी मांग कर रहे हैं कि सरकारी नौकरियों में मेरिट के हिसाब से ही चुनाव किया जाए और आरक्षण को खत्म कर दिया जाए। बता दें कि बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ हफ्ते भर से ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन अब यह विरोध प्रदर्शन उग्र हो गया है। बता दें कि इस प्रदर्शन ने तब ज्यादा हिंसक रूप लिया जब प्रदर्शनकारियों ने गुरुवार शाम बांग्लादेश के मुख्य सरकारी टीवी चैनल बीटीवी के मुख्यालय में आग लगा दी थी। एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार शाम को सैकड़ों प्रदर्शनकारी बीटीवी ऑफिस के कैंपस में घुस आए और 60 से ज्यादा गाड़ियां फूंक दी। बता दें कि एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बीटीवी को इंटरव्यू भी दिया था। जब ये आगजनी की जा रही थी तो छात्रों और पुलिस के बीच गुरुवार को हिंसक झड़पें भी हुई। बताया जा रहा है कि ये प्रदर्शन इतना उग्र था कि गुरुवार को करीब 18 लोगों की इसमें मौत हो गई थी। इसके अलावा 2500 से अधिक लोग घायल हुए थे। ऐसे में प्रदर्शन शुरू होने के बाद से अब तक कम से कम 39 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें अधिकांश छात्र शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश में जारी हिंसा के बाद वहां से भारतीय लोगों का पलायन भी शुरू हो गया है। जानकारी है कि हिंसा के बाद वहां फंसे 300 से अधिक भारतीय नेपाल और भूटानी नागरिक मेघालय पहुंच गए हैं।
इनमें से अधिकांश छात्र हैं। असम सरकार ने कहा कि वह पड़ोसी देश में रह रहे अपने लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विदेश मंत्रालय के संपर्क में है। वहीं शेख हसीना सरकार भी इस मामले पर गंभीर है। बता दें कि 17 जुलाई यानी बुधवार को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने राष्ट्र के नाम संबोधन भी दिया था। इस दौरान उन्होंने घोषणा की थी कि रिजर्वेशन के खिलाफ आंदोलन में हुई मौतों की जांच के लिए एक न्यायिक जांच समिति बनाई जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने छात्रों से देश की न्यायिक प्रणाली में विश्वास बनाए रखने की अपील की। हसीना ने आरक्षण विरोध प्रदर्शन में हुए जानमाल के नुकसान पर दुख जताया है। उन्होंने छात्रों से अपील की है कि वह उपद्रवियों की स्थिति का फायदा उठाने का मौका ना दे। हालांकि आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जिन लोगों ने हत्याएं की है, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, उन्हें कटघरे में लाया जाएगा, चाहे वे किसी भी पार्टी से जुड़े हों। हालांकि शेख हसीना की इस अपील के बावजूद भी हिंसक प्रदर्शन रुका नहीं। आपको बता दें कि बांग्लादेश में इस समय हालात इतने ज्यादा खराब हो गए हैं कि ढाका सहित बांग्लादेश के अलग अलग शहरों में स्कूल, कॉलेज और मदरसे बंद करने पड़े हैं। प्रदर्शनकारियों ने चार महत्वपूर्ण शहरों मध्य ढाका, उत्तर पश्चिम राजशाही, दक्षिण पश्चिम खुलना और चट्टोग्राम में राजमार्ग और रेल मार्ग बाधित कर दिए हैं। कई स्थानों पर मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। बढ़ती हिंसा के कारण अधिकारियों ने गुरुवार दोपहर से ढाका आने जाने वाली सभी रेलवे सेवाओं के साथ साथ राजधानी में मेट्रो रेल सेवा को भी बंद कर दिया है। हालात को देखते हुए देश भर में बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के जवानों को तैनात कर दिया गया है। फिलहाल स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है। प्रदर्शनकारी और पुलिस आमने सामने है, जहां पुलिस प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए रबड़ की गोलियां, आंसू गैस और ध्वनि ग्रेनेड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वही प्रदर्शनकारी लगातार आगजनी कर रहे हैं। तो ये स्थिति फिलहाल बांग्लादेश में बनी हुई है। अब दूसरी तस्वीर देखिए, ये प्रदर्शन ब्रिटेन में हो रहा है। लंदन से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बेहद भयानक है। इस प्रदर्शन में छोटे बच्चे भी शामिल हैं। अब ये तस्वीर देखिए, कैसे बच्चे पत्थरबाजी कर रहे हैं। यही नहीं, स्थानीय लोगों के द्वारा बसों में आग लगाई जा रही है, जगह जगह आगजनी की जा रही है। चुनाव खत्म होते ही हिंसा की आग में ब्रिटेन जलने लगा है। हिंसा की डराने वाली ये तस्वीरें ब्रिटेन के लीड से सामने आ रही हैं, जहां दंगे हो रहे हैं। सड़कों पर जमकर उत्पात मचाया जा रहा है, पुलिस की गाड़ियों को तोड़ा जा रहा है, जगह जगह आगजनी की जा रही है। हालांकि गनीमत की बात यह है कि लीड में अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि आखिर क्यों ब्रिटेन में ये हिंसा हो रही है, तो चलिए अब इसकी जानकारी आपको दे देते हैं। कहा जा रहा है कि स्थानीय चाइल्ड केयर एजेंसी की ओर से बच्चों को उनके माता पिता से अलग कर चाइल्ड केयर होम में रखा जा रहा है। बीते कुछ दिनों में कई बच्चों को चाइल्ड केयर होम में रखा गया है। दरअसल अगर प्रशासन को ये लगता है कि परिजनों की देखरेख में किसी बच्चे की परवरिश सही तरीके से नहीं हो पा रही है, तो ऐसे बच्चों को चाइल्ड केयर होम में रखा जाता है। इसी के विरोध में लोग अब सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन कर रहे हैं। वेस्ट यॉर्कशायर की पुलिस ने ये बताया है कि लीड्स शहर के हेयर हिल्स इलाके में गुरुवार को स्थानीय समय के मुताबिक 5 बजे से लोगों की भीड़ जुटना शुरू हो गई थी। इसमें कुछ बच्चे भी शामिल हुए थे। थोड़ी ही देर में भीड़ उग्र हो गई और देखते ही देखते दंगा भड़क गया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में सड़क पर भारी भीड़ दिख रही है। एक वीडियो में कुछ लोग पुलिस की गाड़ी पर हमला करते हुए दिख रहे हैं। हमले में गाड़ी के शीशे टूट गए और बाद में उसे पलट दिया गया। एक अन्य वीडियो में एक व्यक्ति बस में आग लगाता दिख रहा है, जबकि कुछ अन्य लोग उस पर कचरा फेंक रहे हैं। बता दें कि पुलिस और प्रशासन फिलहाल प्रदर्शनकारियों के निशाने पर है। इस दंगों की वजह से शहर की कई सड़कों पर आवागमन बाधित हो गया है। हालांकि पुलिस अब एक्शन मोड में आ चुकी है। पुलिस ने इसे गंभीर दंगा बताया है और लीड्स के लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है और हरे हिल्स इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती भी कर दी गई है। वही दूसरी तरफ ब्रिटेन के गृह मंत्री यवेट कूपर ने ये कहा है कि लीड्स में फैली अशांति से वे काफी चिंतित हैं। वे लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल बांग्लादेश की तरह ही
यूके की स्थिति भी बेहद खराब है और ये दोनों ही देश हिंसा की आग में जल रहे हैं। अब आने वाले दिनों में कैसे इस स्थिति पर काबू पाया जाएगा ये देखना होगा। इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार। रितम मीडिया की नई ऐप आ गई है। जी हाँ, देश की उभरती हुई बहुभाषी मल्टीमीडिया रितम ऐप का नया वर्जन लॉन्च कर दिया है। इस नए अपडेट के साथ मिलेंगे आपको ढेर सारे मजेदार फीचर्स। जैसे ही आप ऐप खोलेंगे, आपको सबसे ताजी खबरों का सेक्शन लेटेस्ट न्यूज मिलेगा। इसमें आप देश दुनिया की हर खबर PIH और देख सकते हैं। साथ ही दिस डे इन हिस्ट्री में जानिए इतिहास की खास बातें। रितम मीडिया ने खास आपके लिए TV और वेब सीरीज सेक्शंस जोड़े हैं। अब देखिए अलग अलग न्यूज चैनल्स और मजेदार कहानियाँ। और हाँ, सिटीजन जर्नलिज्म को बढ़ावा देने के लिए वीडियो सेक्शन भी है। यहाँ आप अपने इलाके की बातें सब तक पहुँचा सकते हैं। खासकर महिलाओं और युवाओं के लिए भी अलग अलग टैब्स हैं, जो उनकी पसंद और जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। तो अब इंतजार कैसा, फटाफट गूगल प्ले स्टोर या iOS पर जाइए और रितम ऐप डाउनलोड कीजिए। सबसे पहले पाइए अपडेटेड न्यूज़।